ताइवान से सामीन अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जिसे सुन के भारतीयों के तो पसीने ही छूट जाएंगे और भारतीय मीडिया अब तक ये खबर नशर भी कर चुका है। पाकिस्तान में चीन के फौजी दस्ते और तैयारे पहुंच गए हैं। ये इंडियन मीडिया का दावा ही नहीं, बहुत बड़े ज़राए भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके मुकम्मल तफसील जान सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नए आने वाले अहबाब से गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन शो का उसे भी दबा के ऑल पे कर दें ताकि आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहे। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, चाइना के दस्ते पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं और ये खबर सुनकर भारत पे तो बिजली ही गिर गई है। भारतीय मीडिया का कहना है कि बुलारी एयरबेस पर चीनी तैयारे उतरते देखे गए और दस्ते भी। नाज़रीन, मैं यहां आपको बताता चलूं कि बुलारी एयरबेस सिंध के इलाके ठट्टा में वाकया है। इसे 2017 में ऑपरेशनल किया गया है। ये भारतीय गुजरात के करीब पड़ता है और इसी वजह से भारतीय अब खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। भारतीयों के पसीने छूट चुके हैं। पाकिस्तान और चाइना मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के एयरबेस पर तैयारे क्यों मौजूद है चाइना के? पाकिस्तानी एयरबेस पर चाइना के फौजी क्यों मौजूद है? जब से भारत को ये इत्तला मिली है तब से भारत की भाई नींदें ही उड़ गई हैं। तो दोस्तों, पाक चाइना जिंदाबाद का एक नारा लगा दे कमेंट में। आपको ये गुड न्यूज सुन के कैसे लगा कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत की बैंड बजाने में मसरूफ हैं? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को कर लें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।